हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए हैक लेकर आई हूँ कि अगर आपका लिक्विड सिंदूर ड्राई हो जाए तो उसे पहले जैसा कैसे बनाएं। तो ये मेरे सिंदूर की हालत देख लीजिए क्या हो गई है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। इनफैक्ट मैं इसे फेंकने ही वाली थी तो सोचा क्यों ना कुछ DIY ट्राई किया जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई बॉटल है तो आप उसे फेंकने से पहले एक बार ये DIY जरूर ट्राई करिए। तो चलिए अब इस सिंदूर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के आप बेनिफिट्स तो जानते ही होंगे। और दूसरा इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिससे ना ही आपके बाल डैमेज होंगे और ना ही आपकी स्कैल्प को कोई हार्म होगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 पिंच एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से अंदर कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें 2 ड्रॉप रोज वाटर ऐड करूंगी। तो ये स्प्रे बॉटल है जिससे इजीली ऐड हो जा रहा है। मैंने 2 ही ड्रॉप ऐड किया क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंदूर अभी है नहीं। बॉटल को क्लोज करके या तो आप सेक कर लीजिए ऐसे, या फिर आप गुनगुने पानी में 1 मिनट के लिए इस बॉटल को डाल दीजिए। मैं तो फिलहाल सेक ही कर रही हूँ, मेरा काम इसी से हो जाना है। अगर आपका सिंदूर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो गया है तो उसके लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसे लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना शाइनी सा बन करके रेडी हो चुका है। अगर ये DIY आपको ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।